दोस्तों स्टेज पर मौजूद शुअरा की कम उम्री पर मत जाइएगा, ये अपने दौर की नुमाइंदगी भी करते हैं और अक्कासी भी। ये अपनी शायरी में सच्चाई बयान करने का हुनर भी जानते हैं और हिम्मत और जुर्रत भी। इनकी जबान नई है, इनका मुहावरा नया है, इनकी फिक्र नई है, इनके मौजूआत नए हैं, इनकी दिलचस्पियां नई हैं, इनके मसाइल और इनका अंदाज़े बयान भी नया है। नई इजादात, नए इन्वेंशंस ने इन्हें बहुत से नए टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजीज से रूशनास कराया है, लिहाजा इनकी तख्लीक, इनकी पोइट्री के रंग आहंग भी मुख्तलिफ हैं। इसलिए जश्न नौबहार का कॉन्सेप्ट भी नया है। यहाँ न जबानों की बंदिशें हैं, न स्टाइल्स की सरहदें। ये एक कोशिश है, एक तजुर्बा है आज के नौजवान मॉडर्न इंडियन पोइट्री को एक नेशनल लेवल का डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने का। दोस्तों, इस महफिल का आगाज करते हुए मैं जिस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, वो बिहार की सौंधी मिट्टी की खुशबू उस शख्स के कलाम से आती है, और मेरी मुराद है कुमार रजत साहब से, जो पटना ही से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ही सही मगर ये कमी बहुत है, ऐ जिंदगी तुझे जल्दी बहुत है, और वक्त आंधी की तरह उड़ा जाता है, वक्त आंधी की तरह उड़ा जाता है, उम्र रेत है फिसलती बहुत है। शुक्रिया। उम्र रेत है फिसलती बहुत है, और माना माना कि दिल सख्त है बर्फ हो जैसे, माना कि दिल सख्त है बर्फ हो जैसे, मगर ये बर्फ भी तो पिघलती बहुत है, मगर ये बर्फ भी तो पिघलती बहुत है। शुक्रिया। दो असर और देखिएगा कि मोहब्बत का किस्सा पुराना हुआ, मोहब्बत का किस्सा पुराना हुआ, अब तो बिछड़े हुए भी जमाना हुआ, मोहब्बत का किस्सा पुराना हुआ, अब तो बिछड़े हुए भी जमाना हुआ, याद नहीं कब याद आए थे तुम, याद नहीं कब याद आए थे तुम, हाँ ख्वाबों में आना जाना हुआ, हाँ ख्वाबों में आना जाना हुआ, और छोटी सी जिद थी हमारी तुम्हारी, छोटी सी जिद थी हमारी तुम्हारी, देखो कितना बड़ा जुर्माना हुआ, देखो कितना बड़ा जुर्माना हुआ। शुक्रिया। एक मुक्तक देखिएगा कि दुनिया सच को हलाल करती है, दुनिया सच को हलाल करती है, तुर्रा ये कि फिर मलाल करती है, दुनिया सच को हलाल करती है, तुर्रा ये कि फिर मलाल करती है, बरकत इतनी भी नहीं शराफत में, बरकत इतनी भी नहीं शराफत में, दौलत हर रोज सवाल करती है, दौलत हर रोज सवाल करती है। शुक्रिया। दुनिया में जितनी बड़ी शायरी हुई है वो छंद मुक्त शायरी हुई है, फ्री वर्स में शायरी हुई है। जैसे परवीन शागिर की एक नज़्म मुझे याद आती है कि मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसको पहली रात कोई घूंघट उठा के ये कहते मेरा सब कुछ तेरा है दिल के सिवा। दोस्तों, इस तरह की शायरी करने वाली एक शायरा हमारे दरमियान मौजूद है, जिसका लबो लहजा बिल्कुल नया है और बिल्कुल नया बन लिए हुए गौरी चुग, जो हमारे दरमियान गाज़ियाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। मैं उनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। ये एक नसरी नज़्म है, दरवाज़े। ये दरवाज़े सिर्फ अंदर कमरे के अंदर आने या बाहर जाने के लिए नहीं है, इनकी अपनी एक कहानी है। वो क्या कहानी है? दरवाजे अगर ज़बान की चिटकनी खोल पाते तो बताते कि हर दस्तक पर कितने जख्म खाए हैं और चौखटे नाकों से कैसे घिसवाए हैं। अजीजों का इस्तकबाल करने पर उनकी लकड़ी खुशी से कैसे फूली है, और रूठे रिश्तों के मुंह पर जोर से बजने के बाद कितना रोए हैं।
किसी अदालत में जिनके खिलाफ गवाही नहीं दे पाएंगे उन गुनाहों के चश्मदीद रहे हैं और किसी की गुर्बत पर पर्दा डालकर खुद को मसीहा सा महसूस किया। दरवाजे अगर कुंडियों से किस्सा गोई करवा पाते तो सुनाते पर्दों से तनातनी की दास्तान जो उनके खुलने में हमेशा आड़े आए हैं। सर पर लटके नजर बट्टुओं से कितनी घिन है उन्हें क्योंकि वो मखमल में टाट का पैबंद बने बैठे हैं। बेअदब खतों से बेहद शिकायत है जो बिना पूछे नीचे से खिसक आते हैं। मिट्टी से सने अलहड़ पायदानों के साथ खड़े होने में किस कदर शर्मिंदगी महसूस होती है और हसीन खिड़कियों से अपनी मोहब्बत का इजहार अब तक क्यों नहीं करते। दरवाजे अगर घंटियों से राज़े दिल बयां करवा पाते तो बताते कि कलश और रंगोलियों से उनके शबाब को कैसा निखार मिलता है। नन्हे हाथों से अपने ऊपर बनी आड़ी तिरछी लकीरों को लकीरों से खुद को मुसव्विर समझने लगते हैं। सीना चौड़ा हो जाता है जब कोई भारी भरकम अलमारी बिना टेढ़ी किए अंदर नहीं आने देते। एक खबरी का ओहदा हासिल कर लेते हैं जब उन पर कोई कान लगा के दूसरों की बातें सुनता है और जब किसी से मन उचाट हो जाता है तो जिद में आकर जाम हो जाते हैं फिर कभी ना खुलने के लिए। और दोस्तों अब समाप्त करते हैं एक ऐसे शायर को जिसकी अदबी शिनाख्त और शेरी आवाज को एतबार हासिल हो चुका है। दावत सुखन दे रहा हूँ मोहतरम अब्बास कमर साहब को जिनका ताल्लुक जौनपुर से है। हमारे दरमियान तशरीफ लाएंगे अब्बास कमर। अंदर के हाव हू से बहुत डर गए थे हम। अंदर के हाव हू से बहुत डर गए थे हम। खुद से निकल के इसलिए बाहर गए थे हम। खुद से निकल के इसलिए बाहर गए थे हम। अंदर के हाव हू से बहुत डर गए थे हम। खुद से निकल के इसलिए बाहर गए थे हम। और अंजामे सोजे इश्क मुकद्दर पे टाल कर अंजामे सोजे इश्क मुकद्दर पे टाल कर जाने मुराद आज भी दफ्तर गए थे हम। बहुत शुक्रिया। अंजामे सोजे इश्क मुकद्दर पे टाल कर बहुत शुक्रिया जाने मुराद आज भी दफ्तर गए थे हम। और देखे जो तुमने ख्वाब किसी और के तो क्यों देखे जो तुमने ख्वाब किसी और के तो क्यों क्या मौत आ गई थी हमें मर गए थे। देखे जो तुमने ख्वाब किसी और के तो क्यों क्या मौत आ गई थी हमें मर गए थे हम। और अगर वो बेवफा हुआ तो क्या हुआ अगर वो बेवफा हुआ तो क्या हुआ जो है था अब वो था हुआ तो क्या हुआ जो है था अब वो था हुआ तो क्या हुआ। यहाँ तो औलिया भी दागदार हैं यहाँ तो औलिया भी दागदार हैं मैं आदमी बुरा हुआ तो क्या। हटा के खुद को तेरा रास्ता नहीं करना हटा के खुद को तेरा रास्ता नहीं करना हमें अब और किसी का भला नहीं करना। हटा के खुद को तेरा रास्ता नहीं करना हमें अब और किसी का भला नहीं करना। और उसे भी रात को घर लौटने की जल्दी है उसे भी रात को घर लौटने की जल्दी है हमें भी सोना है अब रत जगा नहीं करना। सुकून सुकून वो सुकून जिसकी कोई हद ही नहीं यूं जहर करना है खुद को दवा नहीं करना। एक गज़ल के कुछ अशआर और देखिएगा कि
कि यार तुम्हारी दानाई की मुश्किल हम हल कर देंगे, यार तुम्हारी दानाई की मुश्किल हम हल कर देंगे, इतने पागल हो जाएंगे तुमको पागल कर देंगे, यार तुम्हारी दानाई की मुश्किल हम हल कर देंगे, इतने पागल हो जाएंगे तुमको पागल कर देंगे, और तू जो बदन में जान नमू होने को राज़ी हो जाए, तू जो बदन में जान नमू होने को राज़ी हो जाए, हम इतना बरसेंगे खुद में खुद को जलथल कर देंगे, हम इतना बरसेंगे खुद में खुद को जलथल कर देंगे, और जिस्म तो वक्ते रुखसत उनसे लगकर रोया लौट आया, जिस्म तो वक्ते रुखसत उनसे लगकर रोया लौट आया, आँखें उनको थाम के बैठी कहती हैं कल कर देंगे, जिस्म तो वक्ते रुखसत उनसे लगकर रोया लौट आया, आँखें उनको थाम के बैठी कहती हैं कल कर देंगे। और इसका आखिरी शेर है कि क्योंकि हमारा प्यारा वहशी शहर में आते डरता है, क्योंकि हमारा प्यारा वहशी शहर में आते डरता है, सो हमने भी सोच लिया है खुद को जंगल कर देंगे, सो हमने भी सोच लिया है खुद को जंगल कर देंगे। शुक्रिया। तरक्की कर रहे देशों में रोज चलती हैं कुल्हाड़ियाँ, कटते पेड़ की छाती से निकलता अगर खून तो उनके कटने पर दुख करना आसान होता, पर खून के अलावा कहाँ है हमारे पास मापदंड चोट का अंदाजा लगाने के। हमने पहन लिए हैं बिना नंबर वाले गोल चश्मे जिनकी गोलाई जितना है हमारी उदारता का घेरा, और ब्रह्मांड के वजन और आकार जितना हमारा स्वार्थ। मुझे यकीन है संसार के किसी जंगल के किसी पेड़ को हमसे ये उम्मीद तो कतई नहीं है कि हम उसे बचा लेंगे, उनके लोकगीत भरे हुए हैं हमारी लालच के किस्सों से। एक बार जंगलों के कटते झुंड से एक बच्चा किसी तरह तरक्की की चल रही कुल्हाड़ी की नजरों से बच गया, वो चुपचाप सुलगता बड़ा होता रहा लगातार इस डर के साथ कि जल्द ही उसके बढ़ते कंधे चौड़ी होती छाती किसी की आंख में चुभना शुरू हो जाएंगे। उसने देखी है शहर की भूख जो खा गई थी उसके माँ बाप और भाई बहन को, उसने सुना है कुछ लोगों को बात करते कि आधुनिक भारत के लोगों के लिए चलाई जा रही है एक मेट्रो जिसकी सफाई धुलाई के लिए लगेगी जगह, और उसे विश्वास है कि ये काम उसकी कब्र के अलावा कहीं नहीं हो सकता। वो उदास बैठा अब गिनता है दिन, सोचता है दिन भर के कट कर मरना अच्छा के घुट कर, क्योंकि उसके कंधों और कोहनियों पर जो रहते हैं पंछी, उसके पैर जिन पर रोज कोंपलें देखती हैं अपनी पहली धूप, पाट दिए जाएंगे कंक्रीट और सीमेंट के साथ। पक्की सड़क ही तो है हमारे विकास का रास्ता, पक्की सड़क ही तो है हमारे विकास का रास्ता, जिस पर दौड़ते टैंक जाकर खड़े हो जाते हैं पड़ोसी मुल्कों की तरफ करके मुंह, जिन पर से होकर जाती हैं गाड़ियां 2 रुपए में लेकर किसान से प्याज बेचने शहर में 20 का, उसी सड़क पर चलती हैं नेताओं की बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिनके अंदर ना बुलेट जा सकती है ना ही रस्सी से लटकते किसान के मुंह से निकली आखिरी कराह। विकास, विकास जरूरी है, किस कीमत पर हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बढ़ते तापमान से लड़ने के लिए हमने बना लिए हैं एसी, बढ़ती ठंड से लड़ने के लिए हमने बना ली हैं मोटी रजाइयाँ, हमारे लिए दुनिया देश और पृथ्वी हमारे बच्चे और घर के लोग हैं जो जब रात को सो जाते हैं रजाई ओढ़ के हमें लगता है दुनिया में हर कोई सो रहा है चैन की नींद। लालच फैलती जा रही है महामारी की तरह, पर हमें यकीन है कि दुनिया का अंत किसी उल्का पिंड से होगा। हमने निभा ली हैं सारी जिम्मेदारियां, मिटा दिए हैं सारे रोग और लड़ाई झगड़े, बस कमाने हैं हमें बहुत से पैसे और एक साथ कूच कर जाना है मंगल ग्रह की ओर। कहते हैं ऊंचाई से गिर रहे आदमी की मौत जमीन पर पहुंचने से पहले ही हो जाती है। हम सबको अपनी अपनी हवा मुबारक, और उस हवा में तैर रही अपनी लाशें। शुक्रिया। दोस्तों, गज़ल की लय में क्लासिकल असलूब और तख्लीकी फिक्र के साथ शायरी करने वाले शायर का नाम है सुभान असद। तुझे ही देख न पाने का दुख सहूंगा मैं, तुझे ही देख न पाने का दुख सहूंगा मैं, तो ये मताए नजर ही गवा न दूंगा मैं, तो ये मताए नजर ही गवा न दूंगा मैं,
मैं एक ठहरा हुआ पुल, तू बहता दरिया है। मैं एक ठहरा हुआ पुल, तू बहता दरिया है। तुझे मिलूंगा तो फिर टूट कर मिलूंगा मैं, तुझे मिलूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं एक ठहरा हुआ पुल, तू बहता दरिया है। तुझे मिलूंगा तो फिर टूट कर मिलूंगा मैं। मेरे वजूद की लौ बुझ चुकी मगर वो लम्स, मेरे वजूद की लौ बुझ चुकी मगर वो लम्स। कभी कुरेत के देखे तो जल उठूंगा मैं, कभी कुरेत के देखे तो जल उठूंगा मैं जानता हूं तेरी रूह की तलब जाना, मैं जानता हूं तेरी रूह की तलब जाना। तुझे बदन की तरफ से नहीं छूऊंगा मैं जानता हूं तेरी रूह की तलब जाना। बहुत शुक्रिया। तुझे बदन की तरफ से नहीं छूऊंगा मैं एक ठहरा हुआ पुल, तू बहता दरिया है। तुझे मिलूंगा तो फिर टूट कर मिलूंगा मैं। बहुत शुक्रिया। गजल छोटी सी एक और पेशे खिदमत है। दोस्तों, इदरीस बाबर ने कहा था कि हंसी खुशी सभी रहने लगे मगर कब तक, हंसी खुशी सभी रहने लगे मगर कब तक। मैं पूछता हूं कहानी के बाद क्या हुआ था। आइए दोस्तों, कहानी के बाद का मंजरनामा देखने के लिए हम आवाज दें बॉम्बे से तशरीफ लाए हुसैन हैदरी को, कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्त ये लगाती है, और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, धड़ दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है। फिर बड़े सलीके से, जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है। शुक्रिया। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अजां सुनाई दी मुझको, तो याद आया के वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफ़ी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, कश्मीर से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊँची नीची जात से हूँ, मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमज़ान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाज़ा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, यीशु के गिरजे मेरे हैं, 100 में से 14 हूँ लेकिन
14 ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नज़र से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान। शुक्रिया। मेरे मिट्टी के घर के पीछे था वो पेड़ बरसों से, नीम का पेड़, वो जिस पे खेलते चढ़ते थे अक्सर, झूलते थे हम उसी की छांव में, गर्मी की अपनी शामें कटती थी, सर्द दोपहरियों में छन के उससे धूप आती थी। मगर फिर दब गई सीमेंट में मिट्टी मेरे घर की, उसी में दफन है अभी कहीं उस नीम की लकड़ी। मुझे इस घर में अक्सर जंगलों के ख्वाब आते हैं, मुझे इस घर में अक्सर जंगलों के ख्वाब आते हैं। ड्राइंग रूम में सोफे पे मेरे पास बैठा था कोई, मुझे समझा रहा था कि ज़रूरी है वक्त रहते संभल जाना, ज़रा पैसे बचाना, सोचना कुछ अपने बारे में। अचानक मुस्कुराए तुम, ज़रा खिड़की से बाहर बारिशें देखो, आज तो चाय में अदरक में थोड़ी और डालूँगा, पकौड़े तुम बनाओगी, आज फिर से सुनाऊँगा तुम्हें वो फैज़ की नज़में कि ऐसी बारिशों को यूं ही ज़ाया कौन करता है। और हाँ, तुम्हारे प्यारे हाथी ने रात को ख्वाब में आके नया किस्सा सुनाया है, सुनोगी तुम? ये सुन के हंस पड़ी मैं और समझाने लगा कोई, मुझे फिर से ज़रूरी है वक्त रहते संभल जाना। एक तवील नज़्म है। शेर और शिकारी की लड़ाई में कभी शेर जीतते थे तो कभी शिकारी। शिकारियों की आदत थी कि वो अपनी हर जीत की एक कहानी लिखते थे, लेकिन शेरों को ऐसे किसी फिजूल काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वक्त बीता, शेरों की नई पीढ़ी जो शिकारियों की लिखी कहानी पढ़ के बड़ी हुई थी, ये मानने लगी कि शेर लड़ाई वड़ाई जैसे कामों के लिए नहीं बने हैं। नए शिकारी जवान शेरों को बताते थे कि कैसे उनके दादाजी ने पलट दिया था पूरा समंदर, बांध दिया था बादलों को और उखाड़ के रख दिए थे पहाड़। शेर सर झुकाए उनकी बातें सुनते रहते। एक बार एक बूढ़े शेर ने अपनी बहादुरी की दास्तान सुनाने की कोशिश की तो जवान शेर ये कह के हंस पड़े, दद्दा तुम तो ज़रूर जीते होगे, आखिर तुम पहाड़ से भी भारी हो ना। अब शेरों के यहाँ रिवाज बहुत बदल गया है, लड़ने गुस्सा करने वाले शेर अच्छे नहीं माने जाते। एक अच्छा शेर हमेशा मुस्कुरा के मिलता है सबसे, और शिकारियों की तो हर बात मानता है, आखिर ये बहादुर शिकारी ही तो हैं जो शेरों को बचाते हैं जंगल के खतरों से। अब शेरों के यहाँ लड़ाई वड़ाई जैसे काम नहीं होते, अब शेरों के बच्चे बस सर्कस में काम करते हैं। यकीन और बेयकीनी के दरमियाँ कुछ यूँ मिले थे हम तुम, जैसे किसी जादूगर ने कहा हो कि दो लोग ज़रा यहाँ आए। यकीन और बेयकीनी के दरमियाँ कुछ यूँ मिले थे हम तुम, जैसे किसी जादूगर ने कहा हो कि दो लोग ज़रा यहाँ आए। मेरे लिए तो तुम भी एक जादू ही थे, लेकिन साथ जीते हुए वो एक लम्हा बहुत करीब आ गए थे, हम तुम जादूगर और आसपास बिखरी सारी हकीकत। अजीब बात है ना कि वो जादू जो सबने हम पे होते देखा, हमारे लिए बस हाथ की सफाई बन के रह गया। शुक्रिया। अपनी किस्मत में सभी कुछ था मगर फूल ना थे, अपनी किस्मत में सभी कुछ था मगर फूल ना थे, तुम अगर फूल ना होते तो हमारे होते। दावत सुखन दे रहा हूँ स्वप्निल तिवारी को, आएं और अपने कलाम से नवाजें। ये मौजे हिज्र संभाले हुए मिलेंगे हम, ये मौजे हिज्र संभाले हुए मिलेंगे हम, उमड़ उमड़ के मेरी जां गले मिलेंगे हम, ये मौजे हिज्र संभाले हुए मिलेंगे हम, उमड़ उमड़ के मेरी जां गले मिलेंगे हम, ये तुमने कैसा बनाकर हमें किया है गुम, ये तुमने कैसा बनाकर हमें किया है गुम, खुशी से झूम उठेगा जिसे मिलेंगे हम,
ये तुमने कैसा बनाकर हमें किया है गुम, खुशी से झूम उठेगा जिसे मिलेंगे हम। तू अपनी नींद की बस सीध में चली आना, तू अपनी नींद की बस सीध में चली आना, तेरे ही ख्वाब के पीछे छिपे मिलेंगे हम। तू अपनी नींद की बस सीध में चली आना, तेरे ही ख्वाब के पीछे छिपे मिलेंगे हम। तुम्हारे जहन में दिन भी नहीं हुआ है तय, तुम्हारे जहन में दिन भी नहीं हुआ है तय, मैं सोचता हूं कि कितने बजे मिलेंगे हम। तुम्हारे जहन में दिन भी नहीं हुआ है तय, मैं सोचता हूं कि कितने बजे मिलेंगे हम। थमी हुई है देर से बारिश, थमी हुई है देर से बारिश, देर से एक कागज की कश्ती तैर रही है पानी में। थमी हुई है देर से बारिश, देर से एक कागज की कश्ती तैर रही है पानी में। कश्ती जिस कागज से बनी है उस पर कोई फूल बना है, कश्ती जिस कागज से बनी है उस पर कोई फूल बना है, फूल जो इस दुनिया का नहीं है। दो चींटे कश्ती के मुसाफिर बने हुए हैं, दो चींटे कश्ती के मुसाफिर बने हुए हैं। डगमग 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 कागज अब गलने भी लगा है, डगमग 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 कागज अब गलने भी लगा है। कश्ती साइड स्टैंड वाली एक साइकिल जैसे एक तरफ को झुकी हुई है। एक भी झोंका उस कश्ती पर एक कयामत ला सकता है, एक भी झोंका उस कश्ती पर एक कयामत ला सकता है। एक तितली जो जबरे बहार से बची हुई है, एक तितली जो जबरे बहार से बची हुई है, फूल देखकर, फूल जो इस दुनिया का नहीं है, उस कश्ती पर आ बैठी है। एक तितली जो जबरे बहार से बची हुई है, फूल देखकर, फूल जो इस दुनिया का नहीं है, उस कश्ती पर आ बैठी है। जैसे बागबां खुलते हैं ना वैसे उसने पर खोले हैं, जैसे बागबां खुलते हैं ना उसने अपने पर खोले हैं। डूबती कश्ती संभल गई है, चींटों की जा बची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, ये बार गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, कि उसने हमको रुलाया नहीं बहुत दिन से। आदाब। चलो के खाक उड़ाए, चलो शराब पिए, चलो के खाक उड़ाएं, चलो शराब पिए, किसी का हिज्र मनाया नहीं बहुत दिन से। आदाब। आदाब। हर एक शख्स यहाँ महवे ख्वाब लगता है, हर एक शख्स यहाँ महवे ख्वाब लगता है, किसी ने हमको जगाया नहीं बहुत दिन से। अदब। ये कैफियत है मेरी जान अब तुम्हें खोकर, ये कैफियत है मेरी जान अब तुम्हें खोकर, कि हमने खुद को भी पाया नहीं बहुत दिन से। आदाब। बहुत शुक्रिया जी। और शेर आखिर। ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, ये खौफ है
रगों में लहू न जम जाए, तुम्हें गले से लगाया नहीं बहुत दिन से, ये बारे गम भी। बहुत शुक्रिया हाजरीन, और मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कामना आपस से कि वो तशरीफ़ लाएं और अर्थशिला और जश्न-ए-बहार ट्रस्ट की जानिब से होने वाले इस मुशायरे में जिन लोगों ने शिरकत की है उनका शुक्रिया अदा करें। कामना आपा।